कॉलड्रॉप और धीमे इंटरनेट स्पीड की समस्या से जल्द ही निजात मिलेगी। ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा ने इसका भरोसा दिया। जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वो कंपनियों पर अब नई तरीके से फाइन लगाएंगे। कॉल ड्रॉपिंग के लिए ट्राई ने नया रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हमने बनाया था और 1 अक्टूबर पिछले वर्ष से लागू है। उसमें जो कंपनियां बेंचमार्क पूरा नहीं करती हैं उनके ऊपर हम लोग फाइनेंशियल डिसइंसेंटिव्स उनको लगाते हैं। पिछला जो फ्रेमवर्क था उसमें केवल एवरेज जो है ना एवरेज परसेंटेज के ऊपर फाइन लगता था। अभी वाला फ्रेमवर्क में हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि टावर के हिसाब से हम उसको मॉनिटर करें, तो ये बेहतर फ्रेमवर्क है हमारी नजर में। तो इससे मुझे विश्वास है कि कॉल ड्रॉप की समस्या में काफी निजात मिलेगी लोगों को। दूसरा, जहां तक रही डेटा स्पीड के कम होने की बात, तो ये बात सच है कि डेटा कंजम्पशन इस देश में बहुत बड़ा है और करीब हमारे 100 करोड़ से ज्यादा ग्राहक हैं। तो जाहिर है कि जो डेटा की कैपेसिटी है, डिलीवरी की कैपेसिटी जो मोबाइल टावर की है, कई बार मोबाइल टावर की कैपेसिटी से ज्यादा एक प्रकार से डेटा लोग कनेक्शंस लगाते हैं, तो उसमें परेशानी आती है। उसी प्रकार से अगर लोग चल रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, उसमें भी परेशानी आती है। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम इसकी जो एवरेज मिनिमम स्पीड है उसको हम लोग फिक्स कर सकें।